आज मैं आप सभी किसान भाइयों के लिए एक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा कि कहाँ से कहाँ कितना रेट लगती है और कैसे गाय को लेकर जाया जा सकता है, जो कि बहुत सारे भाई लोग हैं वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब के कॉल करते रहते हैं कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध हो पाती है कि नहीं। तो ये पर ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो मैं ये बता दूँ कि मेला मंडी से आप लोग गाय खरीद करें तो गाय खरीद करने से पहले ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को देख ले, जो कि जहाँ पर आप लोग को लेकर जाना रहे तो आप लोग पहले ट्रांसपोर्ट की राजेंद्र जी से ज़रूर संपर्क करें। जरुआ पशु मंडी से ट्रांसपोर्ट की मालिक वही हैं, जो कि वह अन्य जगह कहीं पर भी आप लोग गाय लेकर जा सकते हैं। उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, ये सब में काफ़ी आसानी के साथ लेकर और उनसे संपर्क करके और जा सकते हैं। और दूसरा नंबर बात कि मेला से गाय खरीद करें तो रसीद कटवाना न भूले, जो कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। और कोशिश करें भेन गाय ही लेने का, यानी कि ब्याह हुई गाय लेने का, जो कि गाभिन गाय नहीं ले या फिर बकेन उकेन गाय रहे तो गाय नहीं ले, ऐसे गाय ले जिसके साथ में बच्चा रहे किसान भाई, जो कि लफड़ा कोई दिक्कत उक्कत नहीं हो और मिल्क के लिए लेकर जाए। और डेयरी फार्म रहे तो आप लोग कोशिश करें कि डेयरी फार्म के लेटर रहता है वह पर अपना सरपंच पंच या फिर किसी और से लिखवा ले, जिससे आप लोग को दिक्कत रास्ते में नहीं हो किसान भाइयों, जो कि सब भाई रहते हैं वह आजकल के तो डेयरी फार्म खोलते हैं तो वह अपना लेटर बना कर रखते हैं, तो उस पर आप लोग अपना लिखित करवा ले और आके जरुआ पशु मंडी से विजिट करके और गाय लेकर जा सकते हैं, जो कि आप लोग गाय वो देख सकते हो जो काफ़ी आसानी के साथ इस चिफ नस्ल की एक से बढ़ के गाय डेयरी फार्मिंग के लिए या फिर जर्सी नस्ल की, क्रॉस नस्ल की, सब गाय काफ़ी आसानी के साथ जोड़ुआ पशु मंडी में उपलब्ध हो पाती है किसान भाइयों। तो आप लोग आ करके और काफ़ी आसानी के साथ मेला मंडी से गाय भैंस को खरीद कर सकते हो। और गाय एवं भैंस को खरीद के लिए तो एक दिन आप लोग कोशिश करें रेस्ट देने के लिए, जिससे है वह मिल्क वुल्क करके और लगभग 10-12 घंटा रेस्ट में छोड़ दिया करें किसान भाइयों। उसके बाद ही आप अपना गाय भैंस को लोडिंग करें, जिससे गाय भी है वो रिलैक्स हो जाएगी, जो कि बहुत सारे भाई लोग हैं वह खरीद करते हैं और लगले लेकर के और लोड कर लेते हैं, जो कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 100 किलोमीटर से ऊपर की रनिंग रहेगा तो आप लोग ज़रूर एक दिन जरुआ पशु मंडी में ही गाय को मिल्किंग करके और खाना पीना दे करके छोड़ दे, जो कि मेला मंडी में है। यहाँ पर खाने का व्यवस्था भी है, सोने का भी है और रहने का व्यवस्था, सब व्यवस्था उपलब्ध है जरुआ पशु मंडी। तो आप लोग ज़रूर एक कोशिश करें कि 100 किलोमीटर से अधिक गाय को लेकर जाना रहे तो एक दिन ज़रूर गाय को रेस्ट करवा दें। और ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो आप लोग पहले गाय लेने से पहले ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं उनसे एक बार ज़रूर संपर्क करें और काफ़ी आसानी के साथ गाय को खरीद कर सकते हैं, जो कि हमारा नंबर आप लोग को इसकी आगे वीडियो में दे दिया जाएगा, जो कि बहुत सारे भाई लोग हैं वह कमेंट करते रहते हैं नंबर के लिए। तो आप लोग को कुछ सहायता चाहिए तो आप लोग मेरा नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, जो कि मेला मंडी में है। बारिश हो चुकी है और कीचड़ भी अधिक है, लेकिन आप लोग देख सकते हो जो कि ग्राहक है वह लगे हुए हैं और इस तरफ भैंस की सेल की जाती है तो उस तरफ पानी भी भरी हुई है और देख सकते हो कितना सारी गाय के लिए पिकअप ट्रक उड़ के सब लगे हुए, तो आप लोग देख सकते हो जो कि ये भैंस देख रहे हैं ये सेल होकर जा रही है किसान भाइयों। और कीचड़ भी बहुत है, तो आप लोग मेला मंडी से गाय को खरीद करें तो काफ़ी सावधानी के साथ खरीदें, अन्यथा आप सभी किसान भाइयों के साथ में ठगी हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हो कितना सारी गाड़ी लगी हुई है ट्रांसपोर्टिंग के लिए, तो आप लोग बेफिक्र होकर के और जरुआ पशु मंडी में आएँ और गाय को खरीद कर सकते हैं किसान भाइयों। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग स्क्रीन पर नंबर देखते हैं, इस पर आप लोग को यहाँ पर आने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग लोकेशन ओकेशन भी आप लोग व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप लोग संपर्क करके और मैसेज करके और व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं किसान भाइयों। और जरुआ पशु मंडी किस दिन लगती है वो बता दूँ, जो कि ये मंडी है ये साप्ताहिक मंडी है जो हर एक रविवार के दिन लगती है और बिहार की राजधानी पटना से इस मंडी की दूरी मात्र 18 किलोमीटर है और हाजीपुर रेलवे स्टेशन से इस मंडी की दूरी की बात की जाए तो मात्र 4 किलोमीटर है, जो कि ये मंडी में काफ़ी आसानी के साथ डेयरी फार्मिंग में या फिर घर में रखने वाली गाय काफ़ी आसानी के साथ उपलब्ध हो पाती है। और एक बार और कोशिश करें कि जानकारी व्यक्ति के साथ है या फिर जानकारी है तभी, अन्यथा दलाल भाई के फेरा में नहीं पड़े। तो दलाल भाई आपसे 40,000 रुपये में मान लीजिए कि गाय को खरीद करेंगे तो अगला खरीदार है उनको 30,000-35,000 देंगे और 5,000 आपको अधिक लग सकता है, तो आप कोशिश करें खुद से
कि जानकार व्यक्ति के साथ है ना था, अपने कोशिश करें कि हाथ सटा करके और या फिर डायरेक्ट ही किसान भाई से बात करके या फिर व्यापारी भाई से और ख़रीद करने की कोशिश करें, जो कि बहुत ही दिक्कत उक्कत होता रहता है। तो मैं इसीलिए आप लोग को कहता हूँ, जो कि गाय खरीद कर लेते हैं इसके बाद है ये रसीद, बहुत भाई हैं वह नहीं कटवाते हैं, लेकिन मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि रसीद ज़रूर मेला मंडी से गाय को खरीद करे तो ले ले किसान भाइयों, जो कि कीचड़ उचर भी बहुत हैं। तो मैं इसीलिए आप लोग को एक वीडियो बनाया था, जो कि बहुत सारे भाई लोग हैं वह कॉल कर रहे थे कि जरुआ पशु मंडी से ट्रांसपोर्ट के लिए व्यवस्था हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ कि कहीं पर भी लेकर गाय जाना रहे, लेकिन ये नहीं समझिएगा कि अब ये बिहार हो गया, झारखंड, उड़ीसा, इस तरफ से आगे लेकर जाने का, तो उधर का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि मैं जितना बता दिया हूँ स्टेप उसके इर्द गिर्द में लेकर काफ़ी आसानी के साथ जा सकते हैं। तो आप लोग को वीडियो बढ़िया लगा होगा किसान भाइयों, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले किसान भाइयों। तो चलिए वीडियो करना खत्म, वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं हमें किसान भाइयों।